खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंडल, जिला और प्रदेश के जेजेसएल कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। प्रदेश कार्यालय से देखिए हमारे संवाददाता प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। जो बच्चा आठवीं में छोड़ रहा है, नौवीं में छोड़ रहा है, दसवीं में बच्चे कम और बोले हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अरे भाई, जो लोग छोड़ के जा रहे उसकी चिंता करो, मिड डे मील ठीक मिलना चाहिए उसकी चिंता करो। ये सब करने के लिए दिल्ली में भी, पूरे देश में तो मोदी जी की जय जयकार है। दिल्ली में पिछले टाइम मोदी जी की सरकार नहीं आई और ये 5 साल में क्या क्या हुआ आपने देखा है। केवल एड और पब्लिसिटी करके किसका पेट भरता है आ सकते हैं, लेकिन ये झूठा केजरीवाल ने उस 5 लाख रुपए के कार्ड को रोक रखा है अभी तक। ये आपको पूछना चाहिए, लेकिन हम पूछ नहीं सकता। लेकिन अभी 2 महीने के बाद जो चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव में हमने 1 वोट देकर 3 सरकार हम बनाएंगे। ये युवा सरकार जो झूठे वादे कर रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, टैक्स फ्री, ये सब बातें जो है सिर्फ चुनाव तक ही है। आज तक केजरीवाल साहब ने क्यों नहीं किया है सब बातें? ऐसी दुर्दशा चुकियों की हुई है कि हम देख ही सकते हैं। वहां माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, बहुत सारी बहनें आई हुई हैं। यहाँ पे न तो वहाँ पानी है, न तो वहाँ पे शौचालय ठीक से है, न तो वहाँ पे बिजली फ्री है। अभी 2 महीने करते हैं बिजली फ्री, उसके बाद जहाँ इलेक्शन खत्म हुआ, जो हम लोग दुख भोगी है, किसी का बिल 7 हजार का है, किसी का बिल 8 हजार आएगा, तो शायद इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। आज माताएं बहनें हमारे बुजुर्ग हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने पर क्या ध्यान रही है, वो समझ रही है कौन सरकार क्या कर रही है। मैं अपने आदरणीय सिद्धार्थन जी से, श्याम जी से और तुम्हारे पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि आपको हमें प्रोत्साहन से बढ़ाते रहें और हम लोग झुकी से काम करने के लिए तैयार हैं। और अभी बीजेपी की सरकार यहाँ दिल्ली में बनेगी, इसका हम आश्वासन देते हैं सब बुजुर्ग। और मैं उमेश वर्मा जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि सब बुजुर्ग दिल्ली पर आया, और मैं अपने पूरी टीम के साथ उनका समर्थन करने को तैयार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण, और आज हम मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय में, जहां मंडल, जिला और प्रदेश जेजेसएल के कार्यकर्ताओं की एक बैठक चल रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। तमाम मुद्दों पर यहां बातचीत होगी और तमाम जेजेसएल के पदाधिकारी यहां मौजूद हैं। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम यहां चल रहा है। ये सभा किसी मध्यम वर्ग के लोगों की नहीं, और ना ही किसी 5-स्टार होटल में ये लोग एकत्रित हुए हैं। ये नज़ारा है बीजेपी प्रदेश कार्यालय का, जिसमें झुग्गियों से गरीब लोग मेहमान हैं और भाजपा जे जे सेल इनकी मेहमान नवाजी कर रही है। मौका है मंडल, जिला और प्रदेश जे जे सेल कार्यकर्ताओं की बैठक का। इस बैठक में झुग्गी बस्तियों के विकास और गरीबों के विकास पर चर्चा की गई। कैसे केजरीवाल सरकार भारत सरकार की तमाम योजनाओं को गरीबों की चौखट पर नहीं पहुँचने दे रही, इस पर भी प्रकाश डाला गया। इस सभा में प्रदेश प्रभारी उमेश वर्मा, संयोजक नीरज तिवारी, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, प्रदेश सह संयोजक सुधीर कुमार, रमेश राणा, के श्रीवास्तव, मुस्तफा काजमी व जिला विधानसभा के सभी संयोजक समर्थक के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू से बात की, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज के हर तबके को आगे रखती है और सबका साथ सबका विकास की नीति पर कार्य करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण और एक क्रांतिकारी घोषणा की है। एक तो उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों को, कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का निर्णय किया है, उसका क्रियान्वयन कल से शुरू होने वाला है दिल्ली में। दूसरा, जहां झुग्गी वही मकान, ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, दिल्ली में वो योजना क्रियान्वित करने का काम DDA के माध्यम से केंद्र सरकार कर रही है, उसकी भी शुरुआत हो रही है। इसलिए पूरे दिल्ली की जनता में बड़ा उत्साह है, जोश है, और उसके लिए आज यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया है। निश्चित रूप से गए 5 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार से लोगों को निराशा है, हताशा है, केवल घोषणाएं हुई, क्रियान्वयन उसका हुआ नहीं। जो वादे किए थे वो वादा खिलाफी हुई है, जनता ये समझ चुकी है। दिल्ली की जनता केवल घोषणाओं पर, केवल पॉपुलर घोषणाओं पर जाएगी नहीं, उनका गुमराह कोई कर नहीं सकता, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। आखिरी सवाल सर, कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं इस बार? निश्चित रूप से थंपिंग मेजोरिटी से हम यहाँ पर जीतेंगे। लोगों को एकमात्र सशक्त और समर्थ विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। सभी पदाधिकारियों ने मंच पर अपनी बात रखी
और बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी विकास के नाम पर गरीबों के साथ छल कर रही है। इस मौके पर हमने यहां मौजूद जेजे सेल के तमाम पदाधिकारियों और प्रत्येक जिले से आए लोगों से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि एक तरह से जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, एक जो भ्रम में अब तक दिल्ली में कोई भी सरकार रही है की है कि भीड़ और वोट जो दो कामों के लिए सिर्फ इनका इस्तेमाल होता था, अब उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश में आज जो एकत्रित लोग हुए हैं कि इस भ्रम को हमें तोड़ना है और जो हमारे यहाँ असुविधा है या जो दिखते हैं, कहीं पुनर्वास की दिक्कत है, कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं हेल्थ पे दिक्कत है, तो उस चीज़ के लिए हम अपनी लड़ाई खुद लड़े। और आज यह सौभाग्यशाली दिन है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश जो नेतृत्व है, वो चाहे आदरणीय संगठन महामंत्री हो, हमारे प्रभारी हों, वो इस चीज़ को समझते हैं कि अब झुग्गी की बारी होनी चाहिए, इनकी भी सुविधाओं को ख्याल में रखा जाए। जेएसएल का एजेंडा है झुग्गी वालों को जगाना। जो अभी केजरीवाल सरकार उनको अंधेरे में रखी थी, उन सब नीतियों को अवगत कराना कि क्या केजरीवाल सरकार कर रही है और क्या नहीं कर रही है, क्या झूठे वादे कर रही है, उन बिंदुओं पर प्रकाश डालना, उनको अवगत कराना कि देखो भाई क्या फ़र्क मोदी सरकार में और केजरीवाल में है। उनके वादे सारे झूठे होते हैं और मोदी सरकार जो बीजेपी सरकार है जो कहती है वो करती है। हम हर जगह झुग्गियों में जा रहे हैं और हमारे सुधीर जी के नेतृत्व में हर जगह हम यही बता रहे हैं कि भाई अगर दिल्ली में हमारी सरकार आती है तो उसमें हम जो 5 लाख का इसने ये रोक रखा है आयुष्मान योजना का, उसको हम लागू करेंगे और सबको यहाँ पे इनकी रजिस्ट्री होएगी, सबको लोन मिलेगा। नहीं, झुग्गियों में हम लोग जा रहे हैं और झुग्गी वालों के लिए जो भी कार्य है वो मोदी जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जहाँ भी कल घोषणा हुई थी जहाँ झुग्गी वहीं मकान होगा, इसमें झुग्गी वालों में काफ़ी उत्साह है और उन्होंने ठान लिया है कि अब की बारी झुग्गी की पारी। जो जिम्मेदारी मिली है वो हर आदमी अपनी अपनी निभाएंगे। झुग्गी झोपड़ी जहाँ भी जाना है, जो समस्या है, चाहे अनधिकृत कॉलोनी जो अब नियमित किया गया है, उन सब जगह हम लोग जाएंगे। जो भी वहाँ की समस्याएं होंगी वो सब से अवगत होकर उन लोगों को उसका क्या निदान हो सकता है इसके बारे में अवेयरनेस किया जाएगा। यहाँ दिल्ली के अंदर बीजेपी जेजे सेल का मेन मुद्दा क्या है कि जो भी गरीब है, जो क्लस्टर में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जो सुविधा से वंचित है, मीन्स वह पुराने जमाने की ख्यालात में जी रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल रही है, उसके लिए बीजेपी जेजे सेल कर्मठ है कि ये सारी सुविधा मिले। ये आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल, झूठा आरोप है इनका, और इनका तो झूठा जितना भी ये करते हैं सब झूठा फरेब जो है इनमें है। कहते हैं हम पानी फ्री झुग्गियों में, पानी फ्री झुग्गी में पहले भी था, आज भी है, फ्री क्या दे रहे हैं, और गंदा ऊपर से दूषित दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। झुग्गियों वाले के लिए भी कुछ नहीं किए हैं, ना कॉलोनी वाले के लिए, जे कॉलोनी हो, जो भी कॉलोनी है, जितना भी है, सारे कॉलोनियों में पानी भी ऐसे ही गंदा आ रहे हैं। उनको परेशानियाँ हैं, अभी उनको मालिकाना हक नहीं मिला है जो मतलब उनको मिलना चाहिए। मोदी जी ने बोला है कि जो हमने कॉलोनियाँ पास की हैं, लेकिन हमारी जो लाल बाग झुग्गी है उसको अभी पास नहीं किया गया है। हमारी बस यही मोदी जी से प्रार्थना है कि नम्र निवेदन है कि हमारे ये झुग्गियाँ हैं लाल बाग झुग्गियाँ, मतलब पास होनी चाहिए, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे श्री राम लाल बाग झुग्गी अंग्रेज कर जाए, और हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती। केजरीवाल का एक है सविता सिंह, वो आके झूठी बोलती, वो आती नहीं कभी। केजरीवाल से पहले जब झाड़ू में खड़ा हुआ था, जब मेरे से बात करा था कि मैं पंतानी जी जब कहोगे मैडम जब हम आ जाएंगे, भाई सारा झूठा वादा हो गया इसका। कारण क्या है कि मैं तो शुरू से देखते आ रहा हूँ, मैं बीजेपी की सरकार देख रहा हूँ, आम आदमी की देख, कांग्रेस की देख रहा हूँ। मैं 1975 से हूँ सादर क्षेत्र में, ठीक है जी। और जितने केजरीवाल ने जो बात रखी है कि आपको पानी देंगे, बिजली देंगे, आज तक लाल बाग झुग्गी में लेटरिन का तो व्यवस्था है ही नहीं, बिल्कुल भी पानी के तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, पानी भी और गंदा। जो भी मुद्दे हैं इनके, वो एक तरफ से मतलब सच होता हुआ दिख रहा है। इन्होंने अभी अभी झुग्गियों का जो अर्धित कॉलोनियाँ हैं उनको मतलब कि पक्का करने का वादा किया, और कुछ पक्का भी कर चुके हैं। और हमारे झुग्गियों में जो आम आदमी की पार्टी के जो विधायक हैं वो अभी 5 साल में भी दिखाई नहीं दिया। बैठक में न सिर्फ जेजे सेल की योजनाओं का जिक्र किया गया, बल्कि ये भी बताया गया कि आम आदमी पार्टी सरकार कैसे भारत सरकार की योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दे रही है। सभा खत्म होने के बाद जेजे सेल ने यहाँ पहुंचे सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें जलपान कराया। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जेजे सेल गरीबों और झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए किस तरह के अभियान चला रही है।
तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा जेजी सेल झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए एक विशेष अभियान चला रही है, कैसे जरा देखिए। भाजपा जेजी सेल राजधानी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में भारत सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने का कार्य कर रही है। जेजे सेल न सिर्फ दुर्घटना पीड़ितों को सहायता राशि दिला रही है, बल्कि झुग्गी बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही है। मंडल, जिला और प्रदेश के जेजे सेल के कार्यकर्ताओं की इस बैठक की टैगलाइन थी, अब की पारी झुग्गी बस्ती की बारी, जिसका अर्थ है कि इस बार सिर्फ गरीबों के हकों की बात होगी। तो आपने देखा कि कैसे राजधानी दिल्ली में प्रदेश कार्यालय में जेजे सेल की पूरी बैठक हुई। तमाम पदाधिकारी यहां पहुंचे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी यहां पहुंचे और इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहां शिरकत की। इसका उद्देश्य था कि कैसे जो भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, उन्हें झुग्गी बस्तियों में कैसे जन जन तक पहुँचाया जाए, इस पर चर्चा की गई। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इन दिनों जेजे सेल तमाम बैठकों और सम्मेलनों के माध्यम से न सिर्फ गरीबों के हित की बात कर रही है, बल्कि भारत सरकार की उन तमाम योजनाओं को भी जमीनी स्तर पर लाने में वचनबद्ध है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में झुग्गियों का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के पाले में आ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।